हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों? मैं हूं स्टार और आप देख रहे हैं स्टार्स गेमिंग। तो चलिए अभी आज खेलेंगे फार्मिंग सिमुलेटर 2019। और आज मैं आपको दिखाऊंगा भाई गाड़ियों के मोड, बुगाटी, लंबोर्गिनी वगैरह के, और बेल बनाएंगे। देखेंगे उस बेल पॉइंट पे जहाँ जहाँ बेल पॉइंट हैं हमारे फार्म हाउस के अंदर, वहाँ पर बेल बिकेंगी या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं यार इस वीडियो को जल्दी। वेलकम बैक दोस्तों। चलो भाई शुरू करते हैं इसको। मैंने गेम इसलिए स्टार्ट नहीं करी क्योंकि मुझे आपको मोड दिखाने थे। तो ये है भाई बुगाटी, ये है बुगाटी शायरन स्पोर्ट्स, इसको ले लेंगे एक। और एक है बुगाटी डिवो, भाई दो हैं इसके मोड। तो आप सर्च कर लेना, आपको इसी के नाम से मिल जाएंगे जो मैंने आपको नाम बताए हैं। और ये है फोर्ड के ट्रैक्टर, फोर्ड 40 सीरीज पैक। और लंबोर्गिनी होराकैन स्पाइडर है ना। और लंबोर्गिनी एवेंटाडोर LP 740, जो भी है 754 सॉरी। और लंबोर्गिनी R7 का एक ट्रैक्टर भी है भाई, बहुत सॉलिड। देखेंगे इसको भी, अगर मौका मिलेगा जरूर दिखाएंगे। यार वीडियो बड़ा हो जाता है इसलिए फिर वीडियो लंबे हो जाते हैं भाई, फिर दिखाने का टाइम नहीं मिलता। एक घंटे से ऊपर वीडियो बनाऊंगा तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। अरे भाई मच्छर कहाँ से आ गए, भाग भाग। अबे यार ये मच्छर कहाँ से, यार ये मच्छर मेरे स्टूडियो में घुस जाते हैं, फिर भी भी भी, भी कर रहते हैं कानों के पास। कहाँ गया अभी, कहाँ गया, ये रहा ये रहा ये रहा, मारो मारो मारो, अब मर गया, कहाँ गया। सॉरी यार, नहीं तो ये परेशान करता रहेगा, मेरे हाथों पैरों को काटेगा, फिर काम नहीं होगा सही तरह। तो चलो अभी तो गेम लोड हो रही है। कल हमने क्या करा था, कल हमने सफाई करी थी अपने जानवरों की। तो फिर मैंने अभी आज भाई उस पर ग्रीन हाउस पे खाद और पानी भी देनी ज़रूरी है। तो देखते हैं यार क्या क्या होता है आज, जो जो होगा वो तो ज़रूर करेंगे। बेल बनानी थी कल, लेकिन बेल बन नहीं भाई। और बहुत दोस्तों की रिक्वेस्ट आ रही है कि भाई ये मोड दिखाओ, ये दिखाओ, ये दिखाओ। कोई कह रहा है अभी कनाडा का मैप खेल लो, भाई कनाडा का मैप तभी खेलेंगे जब ये मैप फिनिश होगा, क्योंकि इसके बीच में दूसरा मैप नहीं लगा सकता। पहले ज़रा इसमें देख लें, इसमें थोड़ा बाकी ज़्यादा नहीं कुछ बचा, थोड़ी थोड़ी चीज़ें बची हैं बस, वो करके ये ख़त्म होने वाला ये मैप लगता है 2-4 दिन में। चल भाई हो जा स्टार्ट। लो भाई हम आ गए अपने घर में और सीधे चले जाएंगे अपने फार्म हाउस पे, इसके अंदर। लो भाई यहाँ आ गए हम। अरे 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 कहाँ फंस गया, अरे तो फंस गए, जहाज ज़रूर आते हैं भाई। चल भाई अपने कुत्ते को खाना खिला दे, पता नहीं कहाँ घूमता रहता है ये भी। ये रहा ये रहा, अपने मालिक को दिखा सही कर्तव्य करके। अबे भाई खाते हुए वो कुछ नहीं करता वो। तो चलो भाई सबसे पहले चलते हैं यार इसमें, एक मिनट, ग्रीन हाउस में। यहाँ पे हमारे पास उनको देनी है जरा खाद पानी, फटाफट दे देते हैं इसको, 5-10 मिनट लगेंगे देने में। इसमें अभी थोड़ी सी खाद है, मैन्योर, तो हमें मैन्योर यहाँ से इकट्ठी करनी है। तो आर दबा देंगे वहाँ जाके, मैंने हमारी आने लगी, हमें चाहिए 3, दोनों में देनी है। तो ये 5000 से ज़्यादा उठाता है तो खड़ा हो जाता है, इसलिए मैं इसमें थोड़ी कम ही लूँगा, 3-4 हज़ार लूँगा। इसमें आ गई है 4000, ये हो गई 5-6, बस बहुत है, नहीं तो फिर ये पलट जाएगा। देखो ये अभी से हिलने लगा, यहाँ पे डालूंगा अभी ट्रक से, पहले उनके अंदर दे दूँ। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, ये 5000 से ज़्यादा उठाता है, मुझे लगता है वेट इसके पीछे थोड़ा बड़ा लगाना पड़ेगा। यहाँ पे अभी थोड़ी सी है, यहाँ पे डाल देंगे थोड़ी सी, पहले ट्रैक्टर को सीधा कर लेंगे यार अपने। आ जा बेटा आ जा, चल 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 चल, चल। अरे 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 अरे, ये हल्का है ट्रैक्टर, ये जा रही हमारी खाद। लो भैया फुल हो गई, ठीक है, उसने जितनी लेनी थी ले ली, बाकी वगैरह यहाँ पे नहीं होगी। ये सही है यार, जितना लेनी है वो लेके कहता है कि और मत, और नहीं जाएगी।
ये आवाज़ कैसे ज़्यादा हो रही है भाई, आवाज़ ज़्यादा हो रही है आज। मैं तो कम ही रखता हूँ भाई, मैं एक पॉइंट पे चलाता हूँ अपने स्पीकर, बस उसमें भी 50% कम कर देता हूँ। चलो भाई यहाँ भी हो गई फुल, अब देनी है उनके अंदर, उनके अंदर है 3000। इसके लिए इसका गेट खोलना पड़ेगा। चल भाई ये मोड नहीं मुझे पसंद आया, क्योंकि इसके अंदर देने में पंगा है, क्योंकि ये बिल्कुल सीधा करके ले जाना पड़ेगा, नहीं तो बकेट फंस जाएगी। बकेट फंस गई तो आपको पता है इस गेम के अंदर गाड़ी निकालना बहुत मुश्किल काम है। ये है भी पूरा पूरा, देखो जगह पूरी पूरी है, तो बस यहाँ करके अंदर ले आके और यहाँ पे नीचे डाल देंगे। ठीक है, ये गिर क्यों गई अब, ठीक है अब इसको कर देंगे बंद, F1 करके देख लेता हूँ एक बार। ठीक है मैन्युअल हो गई 3000 फुल। ठीक है इसको कर देंगे बंद, चल भाई बंद हो जा, बंद ही नहीं हो रहा भाई, नाराज़ हो गया, नाराज़ हो गया, कह रहा बहुत दिन बाद आए हो खाद डालने इसलिए नाराज़ हो रहा। तो थोड़ी सी बची है यार इसमें, थोड़ी सी और देनी पड़ेगी उसमें। चलो भाई चलो चलो चलो, वो जो खाद का सिस्टम है ना वो बाहर ही होना चाहिए, ताकि भाई बाहर से ही डालो अपना, अंदर दरवाज़ा खोलो फिर अंदर वो जाना, तो उस मोड में थोड़ी परेशानी है। अरे बस बस 3000 देनी है, मैं 3000 ही लूँगा, क्योंकि वो फिर नीचे गिर जाती है, कोई फ़ायदा नहीं है। चल भाई चल भाई चल, उसको भी दे दे। इनके अंदर देखो खाद ख़त्म हो गई सब में, इसका गेट उधर है। बस यहाँ तो पड़ी हुई है भाई पहले से ही, यहाँ तो पड़ी हुई है भाई। मैन्युअल 33%, तो ये मोड में यह है कि नीचे गिर जाती है, ये होना चाहिए जैसे फुल हो गई तो वो कहेगी और नहीं आएगी बस, तब सही है। लेकिन इस मोड में ऐसा कुछ नहीं है, ये इसको खोल लेंगे एक बार, देखते हैं कितनी जाएगी। बस 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 हो गई, ठीक है बाकी जो गिरी है उसको उठा लेंगे यार एक बार। चल चल चल, उठा ले, अंदर फट्टी लगी है ना इसी वजह से वो फंस जाता है। चलो छोड़ो यार थोड़ी वो बहुत गिर गई, कोई बात। इसके अंदर ये फट्टियां लगी हैं, इसके अंदर ये इसकी बकेट फंस जाती है, तो इसमें वाटर लेवल 19% रह गया। पानी बाहर से है लेकिन खाद अंदर से, ये गलत बात है, ऐसा नहीं। ये मोड में बनाया तो है लेकिन मोड सही तरह नहीं बनाया, थोड़ी गड़बड़ है। चल भाई तो इनके अंदर हो गई खाद, चारों में खाद हो गई है, अब बस 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 अब देते हैं ट्रक से। चल भाई चढ़ जा, इसके अंदर खाद कम है, पहले इसको एक बार फुल कर लेते हैं। ओ
इसको थोड़ा अंदर लेके जाना ऐसे। ठीक है, आवार दबा देंगे, ये भरने लगा जब तक हम अपना पानी का टैंक लेके आते हैं। वो भर जाएगी जब तक हम इसको लेके आते हैं, पानी भरते हैं भाई, पानी भी तो चाहिए, पानी भी इसमें कम है, इसको फुल कर लेंगे एक बार। लो भाई पानी भी भरने लगा, खाद भी भर रही है हमारी, देखो खाद जा रही है ना, देखो खाद हिल रही है, इसका मतलब वो भर रही है। देखते हैं पहले क्या भरता है, खाद धीरे भरती है, पानी जल्दी भर जाता है, क्योंकि पानी तो लिक्विड है, लिक्विड जल्दी जाता है, खाद सॉलिड है, उसको टाइम लगता है। भर जा भर जा भर जा भर जा भर जा, पैसे कट रहे हैं हमारे, ऊपर देखो पैसे कट रहे हैं हमारे, जैसे जैसे पानी आ रहा है। चल भाई, पानी के पैसे तो नहीं कटते लेकिन खाद के कटते हैं, तो पानी दे देते हैं पहले। आई दबा देंगे, पानी चला जाएगा, ये मोड ठीक है, जितना पानी चाहिए उतना लेके। अब देखो फुल हो गया उसका पानी, अब इसमें देंगे पानी यहाँ पे बस। लो भाई इसका भी पानी हो गया फुल, इसमें भी जा रहा है। लो भाई पानी 50% ख़त्म भी हो गया, पानी बहुत ज़्यादा पी रहे हैं ये, इसको भी दे देंगे पानी। यार बड़ा पानी बहुत ज़्यादा उड़ गया, चल भाई अब इसको देंगे यहाँ से ऐसे। मैं इसलिए छोटा करके दिखा रहा हूँ आपको ताकि नज़र आए पीछे से भाई व्यू, इसलिए मैंने छोटा करा हुआ। ठीक है इसका भी हो गया, अब सीधा कर लेंगे ट्रक को, भाई ट्रक को सीधा रखना नहीं तो ये फंस जाते हैं, तो फिर बहुत दिक्कत करते हैं ये। ठीक है पानी हो गया इनका, लो भाई पानी तो ख़त्म ही हो गया, एक बार भर के लाना पड़ेगा, 2% पानी बचा। तो आर दबा देते हैं, जब तक वो पानी भरेगा हम खाद डाल देते हैं, तो इधर से चलते हैं खाद डालते हैं इनमें। इसको भी सीधा सीधा रखना, वो आगे फंस गया। ठीक है लो भाई खाद चलेगी, ये हो गई फुल, ये लाइन में लगा के, लाइन में लगाने का यही फायदा होता है कि एक ही बार में सीधे सीधे चलता है और खाद पूरी हो जाती है। अब वहाँ से तो घूमेगा नहीं, मुझे थोड़ा इधर से घुमाना पड़ेगा। लो भाई खाद तो हो गई अपनी, और इधर इसमें भी हो गई, खाद कम जा रही है पानी ज़्यादा जा रहा है। चल चलो अब पानी दे देते हैं इधर,
इसमें और उसमें रह गया था। चल भाई पानी इसमें थोड़ा सा रह गया था। ठीक है पानी हो गया इनके अंदर, अब इसमें खाद रहती थी। चलो ये थोड़ी देर में चलता है। अरे यार थोड़ा दूर है, ले ही नहीं रहा, पास लाना पड़ेगा। ठीक है थोड़ा सा दूर था, थोड़ा सा इतना सा दूर था, वो ले नहीं रहा देखो। चलो खाद हमारी अभी है 12,000। भर दे भर दे भर दे, तो इसमें चली गई 3,000। भाई आगे वाले को भी देख लेना, आगे वाला थोड़ा टेढ़ा लगा हुआ है। ये ले रहा है दूर से लेकिन वो नहीं ले रहे। चलो जी 6% बची है, इस खाद हो गई सब में, इसको खड़ा कर देंगे एक बार। चल भाई बस ओके, अब देनी है, अब देना है पानी। पानी उधर दे दिया, इधर चलना है अब हमें। मैंने आपको इसलिए कहा था कि इनको दूर दूर लगाना, क्योंकि आपको फिर गाड़ी वाड़ी घुमाने में दिक्कत होगी, तो गाड़ी अपनी लेके जानी पड़ती है इनके पास पास। चल भाई चल यार दूर है, देखा। ठीक है भाई लो भाई पानी भी हो गया इनका फुल। अरे लो भाई सब में तेल, और सॉरी तेल नहीं पानी, सबका तेल पानी टिच हो गया। कहते ना गाड़ी का तेल पानी हवा पानी चेक कर लो, तो इनका हवा पानी टाइट हो गया सबका, फर्स्ट क्लास हो गई। इनमें खाद भी हो गई पानी भी हो गया, तो अब इसको छोड़ देंगे यहीं पर, पीछे कर लेंगे ओके। चलो अब इससे बाहर चलते हैं। अब हमें बनानी है बेल, तो बेल के लिए स्टोर पर जाके और ट्रैक्टर फोड़ के लगाए मैंने, देखते हैं किस में आते हैं वो। इसमें नहीं है फोर्ड, ये है फोर्ड लेकिन ये है स्मॉल, हम देखते हैं बड़े में आता है। ये मीडियम, अरे ट्रैक्टर कहाँ चले गए, ये मोड कौन से आ गए। अच्छा 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 भाई ये मोड वहाँ थे इसमें यहाँ पे, और जैसे मैंने बुगाटी का और उसका लगाया तो ये यहाँ पर आ गए, पहले ये वाला उसमें आता था इसके अंदर। तो चलो ये है बुगाटी, और ये दोनों बुगाटी के हैं, बुगाटी ये है कितने, ये 1400, ये वाली 1480 हॉर्स पावर की यार, ओ माय गॉड, और ये सिर्फ 400 हॉर्स पावर की, ये तो BMW है यार। अच्छा बुगाटी का मैंने एक और मोड लगाया, पता नहीं कहाँ है। चलो पहले ट्रैक्टर देखते हैं, लार्ज ट्रैक्टर में जाके देखते हैं, फोर्ड सीरीज के ट्रैक्टर। ओ माय गॉड ये है भाई, ये है लंबोर्गिनी का ट्रैक्टर जो मैंने मोड़ लगाया, लेकिन अभी नहीं मैं इसको खरीदूंगा अभी, मुझे फोर्ड का, पहले मेरे दोस्त की रिक्वेस्ट आई है भाई कि फोर्ड का ट्रैक्टर दिखाओ, तो इसी में है भाई, मीडियम ट्रैक्टर है वो। मीडियम ट्रैक्टर में फोर्ड के ट्रैक्टर कहाँ गए, अरे अभी तो देखे थे, अरे सवाल में देखे थे क्या। हाँ भाई ये है स्मॉल ट्रैक्टर, इसकी हॉर्स पावर सिर्फ 100 ही है, इसकी 100 है, इसकी भी 100 ही है। ये 40 सीरीज का है, ये 40 सीरीज 2WD, दोनों सेम ही लग रहे हैं। नहीं इसके पहिए छोटे हैं, इसके पहिए बड़े हैं, ये फर्क है। तो इसमें अच्छा वेट,
आगे वेट लगाना है 800 किलो, फ्रंट अटैचर, आगे अटैचर चाहिए, वेट चाहिए वो आप लगा लेना अपनी मर्जी से। चलो मैं वेट लगा लेता हूँ, और पहिए बदल लो जो उनसे चाहिए, यही ठीक है। मिचलिन, चलो ये क्या है, रूफ, ये छत वाले, चलो लगा लो यार। व्हील सेटअप, ओ माय गॉड, ये व्हील सेटअप है, चौड़े टायर चाहिए, कितने चौड़े हैं ये मोटे मोटे हो गए, और अच्छा नीचे भी है इसमें डिज़ाइन, ये स्टेनलेस स्टील की हो गई, ये स्टील की लग गई है देखो, बस इसमें यही है। और इसके अंदर क्या है, हॉर्स पावर, इसकी हॉर्स पावर मैक्सिमम है 160 की। चलो इसको करते हैं एक बाई, तो ये है भाई हॉर्स, ये है फोर्ड का ट्रैक्टर भाई, एक दोस्त की रिक्वेस्ट आई थी उसके लिए मैंने ये खरीदा है। यार आवाज़ कितनी प्यारी है, तो भाई ये है फोर्ड का ट्रैक्टर, अच्छा है। ओ ओ सॉरी 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 यार, मैंने सोचा कि वहाँ पे मुझे लगा कि वहाँ पे ज़मीन है, तो चलो इसी से बनाते हैं बेल, अगर देखते हैं ये बेल बना देगा, ये बेल बना सकता है कि नहीं भी पता चल जाएगा। तो बेलर चाहिए स्क्वायर वाला, स्क्वायर बेल बनाएंगे हम, इसको लगाएंगे स्टोर को यहाँ पे सेट कर देंगे और बेलर खरीदेंगे, बेलिंग टेक्नोलॉजी में जाएंगे। बेलिंग टेक्नोलॉजी किधर गई भाई, ये रही, ये है कौन का, ठीक है ये बनाता है इसकी बेल, स्क्वायर वाला बेलर, ये राउंड वाला है, ये बनाता है स्क्वायर बेल, ठीक है। इसको चाहिए 140 का हॉर्स पावर का ट्रैक्टर, तो उसकी हॉर्स पावर 165, यानी कि वो इसकी बेल बना देगा, ठीक है। इसको करें लेंगे किराए पे, तो ये आ गया भाई। अभी गाड़ी के मोड में आपको बाद में दिखाता हूँ, पहले जो मेन काम करना है बेल बना के, थोड़ी सी मैं सारी बेल नहीं बनाऊँगा, थोड़ी सी बनाऊँगा 10-15, फिर उसको बेचेंगे, देखते हैं कहाँ पर बिकेगी। यार इस बेलर के आगे ट्रैक्टर तो बहुत छोटा लग रहा है, देखो ध्यान से। चलो वैसे तो मुझे आज कॉटन लगानी थी, लेकिन आज मैं कॉटन नहीं लगा पाऊंगा, कॉटन लगा देंगे कल, आज बेलिंग करते हैं, बेलिंग बेल बेचेंगे आज, बना के देखते हैं कहां कहां बिकेगी। जो हमारे पास दो फार्म हाउस है उसके अंदर दो बेलिंग पॉइंट दे रखे हैं इन्होंने, दो तीन तीन बेलिंग पॉइंट, तो देखेंगे कहां कहां पर बेल बिकेगी। भाई बहुत स्लो चल रहा है ये, चढ़ाई बहुत है। यह फोर्ड 8340 पावर स्टार SLE, मैं स्टार हूं ये, तो ये पावर स्टार है, मैं सुपर स्टार हूं। ट्रैक्टर की आवाज़ बहुत ही प्यारी है, फेंडर की आवाज़ बहुत ज़्यादा है, जो चैलेंजर का ट्रैक्टर है, चैलेंजर का, उसकी आवाज़ भी अच्छी है, लेकिन फेंडर के ट्रैक्टर की आवाज़ बहुत ज़्यादा है, वो खड़खड़ खड़खड़ बहुत ज़्यादा करता है। तो चलो इस यहाँ से शुरू करते हैं, F1 कर लेंगे और देखेंगे बेल, इसको ऑन कर देंगे, अच्छा पहले अनफोल्ड भी करना पड़ेगा, अनफोल्ड, B से ऑन और वी से डाउन, ठीक है, फिर इसको लेके चलेंगे इसके ऊपर ऊपर, तो अंदर से देखते हैं एक बार इसका नज़ारा, वाह ये है भाई फोर्ड का ट्रैक्टर, देख लो, ठीक है हमारी बेल बनने लगी, बेलर ने काम शुरू कर दिया अपना। लो भाई एक बेल बनने को तैयार है, 87 900 एक बन गई, दो बन गई, चलो
थोड़ी सी बिल बनाता हूँ यार, 10-12, 10-15, फिर उसके बाद लेके चलते हैं, ऑटो लोडर को लाऊंगा मैं अभी, फिर ऑटो लोड करके इसको ले चलेंगे अपने फार्म हाउस में। और अब देखते हैं ज़रा बाहर से, ठीक है भाई। वो आगे बहुत ज़्यादा माल आ गया, बस क्रूज मोड दबा दो आप यार। 20 की स्पीड पे खींच रहा हूँ उसको, अच्छी पावर अच्छी है ट्रैक्टर की, देखो ना 20 पे चल रहा है अपने आप। देखो मेरे हाथ यहाँ पर है और मैंने कुछ नहीं कर रखा, वो 20 20 पे खींच रहा है। भाई जिसने भी रिक्वेस्ट करी थी फोर्ड के ट्रैक्टर की, देखो मैंने फोर्ड के ट्रैक्टर दिखा दिए, मुझे इससे के अलावा फोर्ड का ट्रैक्टर और कोई नहीं मिला, तो यही दो ट्रैक्टर मिले थे। एक के तो आगे पहिए छोटे हैं, इसके पहिए ज़रा अच्छे वाले हैं, तो मैंने आपको दिखा दिया भाई। अब हमारी बेल बन चुकी हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9, बस एक दो लाइन की और बनाता हूँ फिर लेके चलते हैं, बेल भेज देंगे। उसके बाद बुगाटी लंबोर्गिनी, इसके हम मोड देखते हैं कितनी स्पीड में चलती है वो गाड़ियाँ, उसका टेस्ट स्पीड आज उसकी टेस्ट स्पीड होगी। लेकिन यार यहाँ पे रोड नहीं है, बकवास, छोटे छोटे रोड हैं। तो क्रूज मोड दबा देंगे एक बार, बस चलता रहेगा, बस क्रूज मोड को ऑन कर दो और इसकी लेफ्ट राइट को आपको बस देखना पड़ेगा। ठीक है भाई, ये है फोर्ड का ट्रैक्टर, देखो अंदर से ऐसा है, और ये बन रही हमारी बेल, ये गियर वेयर लगे हैं इसके अंदर, और ये ऊपर क्या लगा है, एसी भी है भाई इसमें, ताकि गर्मी ना लगे। ये एसी के बटन लगे कि एसी लगा है इसमें, क्या लगा है। चलो भाई काफ़ी हो गई मुझे लग रहा है बेल, चलो एक ये वाली बना लेते हैं लास्ट, इसको बना लेते हैं एक को 85 88। ठीक है अभी बन गई, तो F1 करके ना इसको ऑफ कर देंगे B से, और Y दबा देंगे, Y से क्या होगा कि ये बेल को बाहर फेंक देगा, ठीक है। और इसको ऊपर उठा लेंगे V से, चलो। तो ये है भाई फोर्ड का ट्रैक्टर, देख लो भाई जिसने मोड़ के रिक्वेस्ट करी थी। ओह तो ये बना दिया हमने, ये मोड़ हम लेके आए हैं यहाँ पे आपके लिए स्पेशली तौर पे भाई, मोड़ लगाया, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने लोडर में, अपना लोडर था यहाँ पे ये, अरे यार इसके ऊपर तो ये पड़ा हुआ है, अरे इसके ऊपर तो ये रखा हुआ है। चलो चलो इसको डिटैच कर देते हैं, एक लोडर और एक और ऑटो लोडर खरीद लेते हैं। तो स्टोर पे जाके इसमें जाएंगे, ऑटो लोड कहाँ चला गया मेरा, ऑटो लोड इसके अंदर था ये ऑटो लोड, ठीक है। ऑटो लोड मोड है फ्लैजल का ये, और ये वाला था पता नहीं मेरे पास, ये वाला है, ये वाला है मेरे पास, इस
ये बेल्स और पैलेट वगैरह को उठाने के लिए, तो ये है ऐसा, ये ऐसा है। अच्छा मेरे पास ये वाला है अभी, प्लेन वाला। और अच्छा इसके अंदर ये लगे हुए हैं ऐसे ऐसे, तो इसके ऊपर बेल नहीं आएंगी, बेल इसी पे आएंगी, तो इसी को ले लेते हैं एक। इसको चलो बाय कर लेते हैं एक, और पैसे बहुत है अपने पास यार, टेंशन नहीं है, आज फोर्स से करते हैं सारा काम। आ जा भाई। अरे यार ठीक है, F1 करके इसको सेट कर लेंगे बेल को, जी से, जेड से, स्क्वेयर बेल, राउंड बेल, मिशन पैलेट, एग बॉक्स पैलेट, लार्ज स्क्वेयर बेल, ठीक है लार्ज स्क्वेयर बेल ले लेंगे। अरे यार ये क्या कर दिया, F1 करना। और इसके पास ले जाकर यू दबा देंगे, यू, ठीक है यू दबा के बेल आ गई हमारी। आया भाई, भाई अब तो भाग रहा है 43 की स्पीड पे, स्पीड बहुत है। चल भाई तो हमारे पास हो गई 12, ये उठाएगा 24 बेल। सोलह, 17, 18, 19, 19 बेल बनी है। चलो भाई दो बची अब, 18, तो चलो 18 भी ले चलते हैं, उसको रहने देंगे पड़ी यार, ले लेते हैं उसको भी, चल ले लेते हैं यार आजा। तो बेलिंग पॉइंट हमारे पास देख लेते हैं कितने हैं, उसके हिसाब से इसको बेचेंगे। भाई भाग रहे तो फुल स्पीड पे, 43 है फुल स्पीड जा रहा है। आवाज़ अच्छी है ट्रैक्टर की, मुझे तो आवाज़ इसकी बहुत पसंद आई। एक लफड़ा है, एक पंगा है, एक दुविधा है, क्योंकि इसमें बेलिंग पॉइंट जो है ना, अरे यार कहाँ गया, बेलिंग पॉइंट बहुत अंदर दे रखा है। तो इसमें बेलिंग पॉइंट है अंदर, अब यहाँ तो इसको अंदर कैसे लेके जाएंगे, ये है बेलिंग पॉइंट, अब वो यहाँ पे रखनी है। एक काम करते हैं, ये अंदर तो जाएगी नहीं, अंदर बिकेगी नहीं, यार एक तो सीधा नहीं मुड़ता मुझसे, ये सीधा चलता ही नहीं है यार, क्या करें। अरे 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 कहाँ फंस गया। तो इसको लेके जाएंगे बिल्कुल इसके पास, ये यहाँ पे, ठीक है ना,
बस ठीक है ठीक है। अब करेंगे F1 करके, और इसको करेंगे U, ठीक है U करके इसको करेंगे ऑटो, B दबाएंगे B। ये आ गई बेल की पोजीशन, तो हम इसको ले जाएंगे उधर। अभी आ गई पीछे, अभी आ गई अंदर, ठीक है ना। अब इसको लेफ्ट कर देंगे इधर से, ऐसे इससे। ये चली गई वहाँ, ठीक है ना, उसके पॉइंट के ऊपर चली गई। अब इसको कर देंगे अनलोड, ठीक है, सारी बेल चली गई। तो हमने अंदर से ही बैठे बैठे सारी बेल अंदर फेंक दी, तो बेल तो चली गई यार, लेकिन ये बेल तो ख़त्म हो गई सारी। मैंने सोचा था कि थोड़ी सी जाएंगी, बाकी बच जाएंगी। तो एक तो बेल यहाँ बिकेंगी और एक वहाँ बेचनी थी मुझे, लेकिन ये तो सारी यहाँ पे चली गई। क्योंकि इसको ऑन कर लेंगे एक बार, ठीक है ना। तो इसको छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा। ये हो गया हमारा एक बेलिंग, ये फार्म बार्न, एक तो यहाँ बिक गई और एक ये है, ये बार ना एक, ठीक है, यहाँ पे बिकेगी बार पे। एक बेल सेल पॉइंट ये है, स्टेबल, यानी कि अस्तबल, घोड़ों का अस्तबल। स्टेबल का मतलब होता है अस्तबल। तो एक ये है, तो मुझे इन दोनों पे भी बेचनी थी। तो एक काम करता हूँ, फटाफट इसको लेके चलता हूँ खेत में। अरे 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 अरे, फंस गया यार। आ जा आ जा आ जा आ जा, फंसे मत, फंसे मत, फंस मत, फंस मत, आ जा यार, आ जा, निकल जा निकल जा निकल जा, निकल गया निकल गया। तो ऐसे हम ऑटो लोडर से ऐसे बेल आप बेच सकते हो, क्योंकि वो उसके ऊपर सेट कर देना उसको। यहाँ पे F1 करके आप देख लेना कौन कौन सी ऑप्शन आ रही हैं। तो मैं मारने वाला हूँ शॉर्टकट फटाफट, यहाँ से निकल जाएंगे अपने खेत में सीधा। सारी चली गई यार, मैंने सोचा था कि उस निशान के ऊपर थोड़ी सी जाएंगी, मतलब 8-10, बाकी बच जाएंगी। मुझे मालूम नहीं था कि वो सारी चली जाएंगी इकट्ठी। यार फिर मेहनत करनी पड़ेगी, फिर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। चल भाई, तू यहाँ पे रुक जा थोड़ी देर। तो बेल तो बिक गई, लेकिन कल अंडे बेचने की कोशिश कर रहा था मैं, तो अंडे नहीं बिके। पता नहीं भाई क्यों नहीं बिके, समझ नहीं आया। इसको कर लेंगे V और B से ऑन। B से ऑन और V से डाउन, ये देख रहे हो ना, ये डाउन, B से डाउन, V से डाउन हो जाता है वो, ब्लेड चलने लग जाता है। अभी कितनी बनी है? 4। अब 10 बनाऊंगा, बस 10 बहुत है। चार बन गई, 5, 6,
ऑटो लोडर भी बढ़िया है, इससे आप आराम से काम कर सकते हो। अगर ऑटो लोडर से नहीं करना तो भाई फिर खुद कर लो, अपना ट्रैक्टर ले आओ आगे, वो लगा लो फोक, फोक लगा के फिर उठा उठा के रखनी पड़ेंगी आपको। एक कलेक्टर भी आते हैं जो बेल उठाने वाले कलेक्टर होते हैं, वो बेल को अपने आप कलेक्ट कर लेते हैं, वो भी अच्छा है, वो आप ले सकते हो, उससे भी बेल बन जाती है फर्स्ट क्लास। तो अभी हमारे बन गई हैं 3, 4, 5, 6, 7। चल भाई बस बस इस लाइन की बना दूंगा एक और। इसलिए मैंने अभी बेलर को वापस नहीं किया था, अभी मैंने बेलर को लीज पे लिया हुआ है तो मैंने इसको इसलिए वापस नहीं करा था। मैं कहा पता लगा कि गड़बड़ हो जाए तो फिर उसको अपने पास ही रखेंगे। तो ये हो गई पीछे हमारी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चलो हो गई, बस ये लास्ट बना रहा हूँ। ये हो गई 60-70%। बस ठीक है, इसको बी से बंद करके निकाल देंगे दोनों को, और इसको वी से ऊपर उठा के खड़ा कर देंगे, इसको छोड़ देंगे। अब ऑटो लोडर को लेके चलते हैं। इस फोर्ड के ट्रैक्टर ने भी काफ़ी काम कर दिया भाई आज। चलो अब इसको लगाएंगे इसके पीछे और उसके पास लेके जाएंगे और यू दबा देंगे, यू ठीक है। एक आ गई, 2, 3, 4, 5, ये हो गई 2, ये हो गई 3। अरे यार दूर रह गया थोड़ा सा। अरे यार ये क्या हो रहा है, जल्दी ज़्यादा ज़्यादा मुड़ गया। ठीक है 5 हो गई, मतलब 12 बेल बनी है। इसकी लाइट कैसे जल रही है? चलो जी चल भाई ठीक है। अब इसको लेके चलना है दूसरे फार्म हाउस पे, अपने फार्म हाउस को 2 पॉइंट है उसमें, दोनों पे बेचेंगे, देखेंगे बिकती है वहां पे। एक पे तो बिक गई, दूसरे पे बिकनी चाहिए। तो वैसे बेल बेचनी है अगर आपको तो आप इसमें देख सकते हो, यहाँ पे बेल देखो, इसका पहले आइकन देख लो, ये आइकन कैसा आ रहा है। स्ट्रॉ का आइकन मैं आपको दिखाता हूँ, स्ट्रॉ बेल का आइकन। चल भाई चल, क्या हो गया, ये है स्ट्रॉ बेल ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये तीनों बेल सिर्फ हमारी पॉइंट पे बिकेंगी और कहीं नहीं बिक रही बेल। देखो ये सिर्फ हमारे फार्म हाउस पे बिकेगी, ऑक फील्ड जहाँ पे मैंने अभी बेची है, एक यहाँ बिकेगी एक यहाँ बिकेगी। तो अब इन दोनों पे बेचेंगे तो 3 पॉइंट हैं टोटल, यानी कि बेल के वो तीनों हमारे फार्म हाउस के अंदर ही हैं। एक सेकेंड यार, मुझे एक चीज चेक करनी है, कहाँ गया हमारा। हाँ ये हमारी तो है, हमारी लैंड है ना, ठीक है। मैं यही चेक करना था, क्योंकि अगर आपकी लैंड नहीं होगी तो शायद, और कई बार जैसे कल वो डिजाइनिंग नहीं कर रहा था तो हो सकता है ये प्रॉब्लम आ रही हो, मैंने कहा। लेकिन सेल पॉइंट है तो भाई बिका क्यों नहीं, अंडे क्यों नहीं बिकी, मुझे तो अभी ये बात नहीं समझ आ रही। कल से मैं यही सोच रहा हूँ कि अंडे हमारे बिके नहीं है, किसी ने हमारे अंडे नहीं लिए, हमारे अंडे में कोई ख़राबी थी क्या भाई, क्यों नहीं लिए। तो इसको मैं अभी ले चलूँगा इधर शॉर्टकट मार के, क्योंकि मुझे ट्रैक्टर चाहिए वो दूसरा वाला, इस ट्रैक्टर से काम नहीं होगा। अभी दिखाता हूँ आपको क्यों।
अब मुझे ट्रैक्टर चाहिए वो वाला। क्योंकि इसके आगे ओ फ्रंट लोडर चाहिए, फ्रंट लोडर उसके आगे है नहीं, तो मुझे ट्रैक्टर चाहिए अभी ये वाला। इसकी बकेट को यहीं उतार दूंगा मैं, डिटैच कर दूंगा इसको नीचे करके, ठीक है, इसको कर दूंगा क्यू और पीछे लाके जी दबा के इसका वेट भी हटाना पड़ेगा। अभी दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो स्टोर पे जाके ना फोक ले लेना, अब मैं ऑटो लोडर से नहीं दूंगा, अब मैं फोक से दूंगा, क्योंकि अरे यार क्योंकि वो जो अंदर है ना स्टेबल बेल बेल जहाँ बेचेंगे हम, वहाँ पे अगर मैंने इस लोडर को अंदर ले गया तो ये फंस जाएगा, तो मुझे इसके लिए चाहिए फोक। तो हम जाएंगे इसमें फ्रंट लोडर के अंदर, ये है फोक, ये वाला ये बेल उठाने के लिए है, ये बेल स्पाइक है, ये पैलेट के लिए है, ठीक है, ये वाला ले लेना। तो मेरे पास है एक ऑटो लोडर, ये वाला, ये ऑटो लोडर है और ये भी है, ये भी ऑटो लोडर है तीनों, तो ये खुद ही अपने आप उठा लेते हैं, तो ये लग जाएगा उसके आगे। इसका कलर चेंज करना है तो कर लेंगे, ग्रीन है हमारा ट्रैक्टर तो इसको ग्रीन कर लेंगे, और फ्रंट लोडर के आगे चाहिए, ऊपर कर लेंगे एक्सटेंशन। कितनी लाइन चाहिए आप लाइन वाइन चेंज कर लेना, जो भी है इसको कर लेंगे बाई, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ती रहेगी बेल वेल उठाने के लिए आपको। तो पहले उसको लगा लेता हूँ एक बार, इसको कर लेंगे अटैच, ठीक है भाई, और इसको ऊपर उठा लेंगे और ऐसे इधर कर लेंगे ऐसे, ये ऑटो लोडर है, ये बेल उठा लेगा तीन अपने आप, तो हम उस पॉइंट के ऊपर जाके उसको आराम से डाउन ड्रॉप कर देंगे, अनलोड कर देंगे उसके ऊपर, तो हमारी बेल बिक जाएंगी। ध्यान से निकालना यार, फंस ना जाए, क्योंकि ये फंसते बहुत जल्दी हैं। यहाँ पे सड़कें बहुत छोटी छोटी हैं, ये वाला मेन रोड है बस, ये अंदर की सड़कें तो बहुत ज़्यादा छोटी हैं। मतलब अगर किसी को इस इलाके में बेल बेचनी है तो उसे हमारे पास आना पड़ेगा, और हम अपनी मर्जी का रेट सेट कर सकते हैं, मतलब हमारे तीनों पॉइंट हमारे हैं। भाई स्पीड से तो जा रहा है 53। आप इसमें कॉन्ट्रैक्ट भी ले सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको पहले बताए हुए हैं कई वीडियो में, कॉन्ट्रैक्ट कैसे लेते हैं, ट्रांसपोर्टिंग का कॉन्ट्रैक्ट कैसे लेते हैं, मैंने वो भी आपको बताया है। वो फोर्क लगा के ना पैलेट वाला, तो वो लगाना पड़ेगा आपको। अच्छा ये आ गया हमारा ट्रैक्टर, एक हमारे पास यहाँ भी खड़ा है, ओके, ये मैंने कल छोड़ा था सफाई सफाई वगैरह के लिए। तो एक बेलिंग पॉइंट है इसके पीछे, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर जाके F1 कर दूंगा मैं, F1 करके इनको कर देंगे ऑफ, यू से और अनलोड, ठीक है, अभी अनलोड हो चुकी हैं, तो अब मैं इसको डिटैच कर दूंगा एक बार और उसको लगा के F1 कर दूंगा, ठीक है, अगले वाले को,
ये नहीं, इसको नहीं, इसको नहीं, इसको नहीं, जी दबा के ये आ गया हमारा ऑटो लोडर। ठीक है, तो ये ऑटो लोडर है अगला वाला। चल भाई उठा। अरे यार ये ऑटो लोडर नहीं है क्या? ये ऑटो लोडर तो है। चलो ले नहीं रहा यार ये, पता नहीं। चलो ऐसे उठा लेते हैं। अरे 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 अरे, ये तो सारी निकल गई यार। ये ऑटो लोडर तो था, ये ले क्यों नहीं रहा? एक मिनट, पता नहीं ले नहीं रहा यार ये। चलो इसको उठा लेंगे, इसी से मैनुअल उठा लेते हैं, कोई बात नहीं। ऑटो लोडर नहीं चल रहा तो, और उस बेलिंग पॉइंट पे लेकर जाना है अब इसको ऐसे। ठीक है, चली गई बेल, एक चली गई अपने आप, इनको यहाँ छोड़ देंगे। ठीक है भाई, बेल चली गई हमारी, तो ये एक बेल पे बेचने का पॉइंट ये हो गया। अरे यार ये कहाँ से गिर गई? ये क्या हुआ? अच्छा, आगे से भी अटैच हो जाता। अरे 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 अरे, कहाँ फंस गया? अरे अरे कहाँ फंस गया? अरे अरे कहाँ फंस गया? ऐसे करना था। निकल 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 निकल। अरे निकाल तो दिया अब यार, ये बड़े पंगे इस गेम के अंदर। चल भाई निकल यार, ये कितने फंस गया। उसके कुंडे में फंस गया यार। ये प्रॉब्लम है इसमें, इस गेम। ये बताओ, फंसा तो कहीं पर नहीं है वो, बस निकल जा भाई, निकल गया निकल गया निकल गया। चल 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 चल, निकल गया निकल गया निकल गया यार, निकल गया। चलो अब एक काम करते हैं, यहीं से उठा लेते हैं बेल, इसको ऊपर उठा लेंगे ऐसे, और इसको ऐसे कर लेंगे। और एक बार पीछे लेके, दो पॉइंट पे तो हमारी बेल बिक गई है। इसको ऊपर उठा के सीधा कर लेंगे, ठीक है ना? ठीक है, तो तीन बेल आ गई हमारे पास। अब इसको लेके चलते हैं वहां पे, दूसरे पॉइंट पे। ओ तीस, ये पीछे वेट नहीं लगा, इसलिए ये ऐसे लचक लचक मार रहा है। पीछे पीछे वेट चाहिए। यार मुझे समझ नहीं आई, ये तो ऑटो लोडर था, ये यही वाला मोड था। पता नहीं, हो सकता दूसरा मोड हो। ये गिरेगी गिरेगी गिरेगी।
होगी, सही होगी, सही होगी। आज तो सारा बेल में ही चला गया टाइम, बेल बेल बनाने में और बेचने में। चलो हमारा तीसरा पॉइंट भी आ गया, यहाँ पे गेट खुला ही है। गेट खुला, ठीक है। तो बेल बेचने का पॉइंट कौन सा है इसमें, ये वाला दिखा रहा है, ठीक है ना, एग सेल पॉइंट है। ओहो, ये बेल का पॉइंट है यार, लेकिन ये देखो अब गेम के अंदर, ये ऊपर नहीं आना चाहिए था, ये नीचे आना चाहिए था। ये बेल का पॉइंट है जो आगे है, और जो पीछे है वो है एग का। तो अंडे वहां बिकेंगे, बेल यहां बिकेगी। ओहो, इसलिए अंडे नहीं बिक रहे थे कल, अब मेरा क्या कसूर है भाई बताओ। ओहो, अंडे बिकने थे वहां। अब अगर आप इसमें देखो तो ये लिखा है स्टेबल एग सेल पॉइंट ऊपर और बेल आगे, यानी कि दीवार के पास जो है, और ये उल्टा है। तो इसका ध्यान रखना भाई, ये बहुत गड़बड़ हो गई कल, इसका इसलिए अंडे नहीं बिके। और मेरे दिमाग में नहीं आया कि मैं यहाँ से अंडे उठा के वहाँ बेच के देखूँ, क्योंकि मैं इसके चक्कर में रहा था। तो बेल हमारी, ये एग सेल पॉइंट है लेकिन दिखा रहा है बेल यहाँ पे बिकेगी। चलो यार बताओ, अब गेम के अंदर, मैप के अंदर ही गड़बड़ है तो मैं क्या कर सकता हूँ। अब जाके कन्फ्यूज़न दूर हो गया। चलो यार, इसको खड़ा करते हैं एक बार, और फिर आपको दिखाता हूँ बुगाटी के और उसके मोड। वीडियो अभी 1 घंटे का हो गया, चलो 10 मिनट और सही। चलो यार, ये कन्फ्यूज़न दूर तो हुआ कि अंडे क्यों नहीं बिके। तो अंडे यहीं बिकेंगे, लेकिन वो दीवार जो आगे अगला है उस पर बिकेंगे। भाई तो बहुत गड़बड़ कर रखी है मैप के अंदर, फिर गलत लिखा हुआ भाई, वो गलत लिखा हुआ, उसको सही करना चाहिए। इसको अभी मैं यहीं खड़ा कर देता हूँ, बाद में ले जाऊँगा आपको, पहले मोड़ दिखाता हूँ। इसको यहाँ पे लगा देता हूँ फिलहाल, ठीक है। तो लो भाई, आप चलाते हैं अपनी गाड़ियाँ, यहाँ खुली जगह है, हाँ तो यहीं पे मंगाते हैं अपनी गाड़ियाँ। लो भाई, कौन सी देखनी है बोलो, पहले पहले चलाते हैं अपनी भाई बुगाटी। BMW तो ये मैंने आपको दिखाया हुआ है पहले, बुगाटी आ गई। लो भाई ये, वाह भाई, मेन कलर, अच्छा कलर आप कोई भी ले सकते हो, वाह भाई, कलर अपनी पसंद का ले लेना। ये यार, ये अच्छी लग रही है ये। अरे कलर सारे धांसू लग रहे हैं, ये भी अच्छी लग रही है। चलो ये घिया कलर लेते हैं, घिया कलर। अच्छा, अब इसकी हॉर्स पावर है 1800। अब इसकी हॉर्स पावर हो गई भाई 1880, 1879, यानी कि एक कम है। तो इसको करेंगे एक हम लीज पे, क्योंकि हम, चलो खरीद लेते हैं यार, बहुत पैसा है, 5,31,000 की है। कहाँ है कहाँ है, अरे आ गई आ गई आ गई, लेकिन भाई आगे से बहुत नीचे, ध्यान ध्यान रखना। लो भाई ये है बुगाटी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये है बुगाटी डिवो, ठीक है, ये डिवो है, ये है ऐसी, देखो पीछे से ये डिवो, अच्छा लिखा भी हुआ पीछे, अरे यार स्टार लिख दो ना पीछे। अब इसके अंदर जाएंगे ई दबा के, बुगाटी शायरन है, वो तो कह रहा है डिवो, ये कह रहा है शायरन, शिरोन शिरोन या शायरन जो भी है। तो ये इसकी आवाज़, अंदर से देखते हैं इसको अंदर से। अरे 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 अरे, मैंने तो सी दबाया था, ये अपने आप कैसे भागने लगी, मैंने तो अभी कुछ दबाया ही नहीं। ओ भाई इतनी स्पीड, ओए होए होए होए, क्या जिंदगी है भाई इसकी गाड़ी की। तो ये डिवो है, डिवो। लो भाई ये है इसका स्टेयरिंग, देख लो अंदर से क्या लिखा, EB, और एयर बैग है इसके अंदर, और इसका हॉर्न, अबे यार हॉर्न पुंगी है, हॉर्न बच्चे वाला है, और ये लगे हुए हैं अंदर स्विच गियर वगैरह। चलो यार इसको चलाते हैं। अरे भाई, अरे ओ भाई, अरे भाई बहुत स्पीड है। अरे एक मिनट भाई, एक मिनट,
ओ भाई 200 की स्पीड, ओ भाई फुल स्पीड, और 250 की, ओ माँ टक्कर मार देगी, ओए ओ भाई रे 250 की स्पीड में जा रही है। तो एक मिनट बाहर से देखते हैं, तो वाडी, ओए ओए ओ भाई कंट्रोल नहीं हो रहा, ये तो बहुत स्पीड है भाई, बहुत स्पीड है। साइड से कैसी है भाई, इसको आराम से चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर ये ओ ये तो उंगली, ये तो उंगली रखते ही भाई भाग रही है, तो 100 की स्पीड पे। ओ भाई 215 की स्पीड, अबे अबे ठुक जाएगी ठुक जाएगी, कहाँ गई। हे मेरे प्रभु, इतनी स्पीड, आगे तो रोड ही खत्म हो जाएगा, इससे आगे तो हम जा नहीं सकते। चलो यही एक मेन रोड है, इस पे वापस करते हैं इसको। अबे कहाँ गई, ओहो देखो यार कैसी दे, देखो ओ तुम्हारी, ओए 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 यार ये क्या हो रहा है। अरे बाहर तो निकल, अरे बाहर तो आ जा, ये क्या हो गया। अच्छा, माउस घूम गया था भाई। मैं भी कहूँ अंदर का व्यू कहाँ चला गया, थोड़ा सा ठीक है। लो भैया बुगाटी देखो, FS90 में बुगाटी चल रही है। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, कंट्रोल बहुत बहुत ज़्यादा स्पीड है। 250 असली ज़िंदगी में 250 की स्पीड मैंने कभी नहीं देखी। ये क्या हो गया, पलट भी जाती है ये, होगी 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 सीधी होगी। अच्छा सीधी भी हो जाएगी भाई पलट गई तो। अरे यार चलना चल, क्यों शोर मचा रहा भाई। ओ भाई रे, तो ये है भाई बुगाटी। चलो 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 चलो, अरे कहाँ, मुझे तो भाई समझ नहीं आ रही गाड़ी, और इतनी स्पीड है भाई। चलो भाई हो गई बुगाटी डिवो, अब दूसरी देखते हैं। चलो इसको कर देंगे अपने फार्म हाउस में खड़ा, यहाँ से जाएगी नहीं, यहाँ से नहीं जाएगी, यहाँ से नहीं जाएगी, अपने फार्म हाउस पे खड़ा कर देते हैं इसको यहीं पे। बस 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 भाई सुपर स्पीड है, इसको कर देंगे गैराज में खड़ा। अरे यार आराम से, अरे यार आराम, चल सीधी हो जा। चलो लो भाई ये है बुगाटी, बाहर आ जाऊंगा भाई इससे। ओ भाई इतनी स्पीड। अच्छा अब चलते हैं फिर दोबारा स्टोर पे, खुली सी जगह ले लेना। और अब बुगाटी दूसरी, अब वो बुगाटी कार्स में आएगी क्या। लो भाई ये है बुगाटी शेरन स्पोर्ट, ये है 2.6, वो 5 लाख कुछ की थी भाई, ये 2.6 मिलियन की है। वो इसकी स्पीड सिर्फ 500, अच्छा, इसकी स्पीड भी 1480 की है, तो वो इससे इससे ऊपर का मॉडल है यानी कि वो। ओ भाई ये यार ये अच्छे लग रहे हैं, क्रोम ब्लैक भी अच्छे लग रहे हैं, चलो कोई भी ले लो। कलर कलर अब लेता हूँ ऑरेंज, ये नहीं यार डार्क ऑरेंज सही है। चलो इसका कलर ये लेके एक बाई करते हैं, बुगाटी। एक मिनट बुगाटी, इसमें दो इंजन है। ओके चलो आ गई मेरी धनो रानी। लो भाई ये है बुगाटी, ये बुगाटी शायरन है, वो है दूसरी डिवो, ये भी वही दिखा रहा है, बुगाटी W16। एक मिनट, और ये 8L ट्यून्ड है, सेम ही है लेकिन ये उसके ऊपर का मॉडल है। इसकी स्पीड देखते हैं, इसकी स्पीड भी उतनी है, और ये अंदर से है ऐसी गोल्डन। वाह भाई वाह, हाँ ये है शिरन स्पोर्ट्स, शायरन क्या है यार, ये CHIRO शायरन, शायरन स्पोर्ट। चलो निकालते हैं इसको बाहर यहीं से। ओ इसका हॉर्न, हॉर्न दोनों के सेम है। हट जा भाई हट जा हट जा हट जा, ओहो आगे जा सकते हैं हम इधर। अरे यार सॉरी सॉरी सॉरी, अच्छा इससे आगे नहीं जा सकते, उससे आगे नहीं जा सकते, और इस वहाँ पर उससे आगे नहीं जा सकते भाई, कंट्रोल नहीं होती इसकी, स्पीड बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा है।
आवाज़ बड़ी धांसू है यार। ओ माय गॉड, मुझसे संभल ही नहीं रही। अबे मुझसे संभल ही नहीं रही भाई, ये चलाते रहो अपने आप सीधी हो जाएगी। चलो चलो भाई, ये तो पलट गई है। एक सेकंड, इसको हटा देंगे अपने ट्रैक्टर से, सीधा कर लेते हैं। ये दो हैं बुगाटी, अच्छा तो आप स्पीड कम ले लेना, 500 वाली, 500 हॉर्स पावर बहुत होती है भाई, 500 हॉर्स पावर, तो उसी से चला लेंगे इसको। देखते हैं सीधा हो जाएगी ये। लो वो तो सीधी हो गई, ट्रैक्टर फंस गया। अरे इसको क्या हो गया भाई, बाहर निकालो। चल आगे तो चल, पीछे चल, पीछे किधर चल। चल चल भाई अब तू निकल। अरे गाड़ी वालों की बहुत जल्दी हो रही है। चल जा भाई, जा तू, जा तू भी जा। और कितने हैं? एक और आ रहा है, चलो वो तो चला ही जाएगा। भाई बहुत स्पीड है बुगाटी की यार, निकल क्यों नहीं रही है? और बुगाटी के चक्कर में ट्रैक्टर फंस गया यार मेरा। आ गया बाहर। अब भाई कहाँ घुस गई है। चलो ये भी अपनी है जगह, यहीं पे इसको खड़ा रखते हैं यार। चलो ट्रैक्टर निकाल लो, अगर निकले नहीं तो ठीक है, नहीं तो रीसेट कर देना। चलो मैं इनको रीसेट कर लूँगा यार बाद में। तो अभी चलते हैं सड़क के ऊपर ही, यहीं पे लगा देंगे स्टोर। अरे यार एक मिनट, यहाँ पे लग नहीं रहा, यहाँ पे स्टोर ही नहीं आ रहा। वो जगह ऊंची नीची है। अब मंगाते हैं लंबोर्गिनी, कहाँ थी इसमें थी। तो लंबोर्गिनी भी मैंने दो ली हैं, एक है लंबोर्गिनी हुरकन स्पाइडर है, एक है शैरन स्पोर्ट। नहीं ये तो बुगाटी है यार, ये अवेंटेडर, पहले ये लेते हैं, देखते हैं इसमें कितनी हॉर्स पावर है। इसकी 200 हॉर्स पावर, 740 हॉर्स पावर। और इसके ये हैं रिम, ओ वेरी गुड। और मेन कलर इसका कोई भी ले लो, चलो इसका रेड लेते हैं। वाह यार क्या सही है, इसको करेंगे बाई। ओके लो भाई तैयार है हमारी गाड़ी। देखो भाई ये है लंबोर्गिनी एवेंटेडर, जो भी बोलो यार। वाओ अंदर से देखते हैं इसको, वाओ लंबोर्गिनी ते मारे जंदगेड़ियाँ। ओ यार गाना है दलजीत का। और भाई इसकी भी बहुत स्पीड है, लेकिन उससे कम है बुगाटी, उसकी स्पीड, उसकी हॉर्स पावर बहुत ज़्यादा है। भाई इनको चाहिए हाई रेसिंग ट्रैक। इसका हॉर्न उनका सेम है हॉर्न। चलो फिर चलो भाई, इसको पलटाना नहीं है। कितनी स्पीड हो रही थी इसकी? अरे कहाँ चली गई, अरे कितने चली गई, वो खेत में घुस गई। रोड पे लाओ, रोड पे आ गई। रोड मैंने बोला ना आपको बहुत छोटे हैं, इसको चाहिए बहुत हाई फाई रोड। अंदर चलाते हैं इसको थोड़ा सा। इसका शीशा आगे से काला काला सा क्यों है? इसकी स्पीड है 170 की, 180 की, 190, 195, 200। अबे 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 यार। चलो भैया हो गई हमारी लंबोर्गिनी, बस रोड यही है इस पे घुमाने के लिए, और कोई रोड नहीं है। ओ माय गॉड अब जा रही है सही।
ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, उड़ गई हवा में। चलो इसको भी लगा देंगे उसके साथ। चल भाई, हमारे पास हो गई हैं अब गाड़ियाँ, हम रेस हो गए हैं अब। चलो इसे उतर जाता हूँ। ये हो गई हमारी एक गाड़ी, अब लंबोर्गिनी एक और है, वो भी देख ही लो यार। आज तो हमने खरीदी अभी ये वाली, अब लेंगे ये वाली। ये है ओपन, वो थी बंद वाली। तो ये रूफ टॉप, अरे नहीं यार, रूफ टॉप नहीं चाहिए। अच्छा इंजन इसका है 200 का, ये हम इसको कर लेंगे 740 का। अच्छा 740 से ऊपर इंजन नहीं है, तो इसको यार स्लो स्पीड की लेते हैं, थोड़ी सी अच्छी चलेगी। हाई स्पीड मैंने आपको भी अभी दिखा दी, वो तो सेम ही है। कलर इसका लेंगे यार, कौन सा ले लें, क्रीम कलर यार, ये लाइट कलर है। चलो ये लेते हैं, बाय करते हैं इसको, एक बाय। तो ये लिए मैंने स्लो स्पीड की, थोड़ी सही चलेगी। तो ये है भाई हमारी स्लो स्पीड की लंबोर्गिनी, लंबोर्गिनी। चलो बैठो इसमें, ये देखो अपना हीरो, अब चश्मे को लगा रखा, ये हीरो बन रहा। ये ऐसा है अभी इसका व्यू, अरे आगे तो सुअर आ गए। दो सौ की स्पीड बहुत है भाई, मैक्सिमम स्पीड इसकी 220 की है। बुगाटी की मैक्सिमम स्पीड 500 कुछ थी। हाँ ये सही है इसकी स्पीड, इतनी स्पीड पे मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। हॉर्न इनका भी ऐसे, हॉर्न भी अच्छा देना चाहिए। अरे 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 अरे, अरे। ये सही है इसकी स्पीड, कंट्रोल हो रही है। वो गई वो गई वो गई वो गई वो गई, मैंने व्यू छोटा कर लिया था, अब अच्छा लग रहा है। ओह टक्कर हो जाएगी, बच गई भाई, बच गए। इससे आगे नहीं जा सकते भाई हम, बस यहीं तक है हमारा, यहीं तक है हम, आगे लिमिट हमारी यहीं तक है। तो ये हो गई भाई दो लंबोर्गिनी, दो बुगाटी मैंने आपको आज दिखा दी, और फोर्ड का ट्रैक्टर दिखा दिया, बेल भी दिखा दिया। आज बहुत कुछ हो गया भाई, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, 1-1.5 घंटे का हो जाएगा। अब मैं बताऊँ क्या करूँ, सारे मोड दिखाने ज़रूरी हैं। इतनी स्पीड भी बहुत है यार, देखो फुल स्पीड में 250 पे, 150 पे जा रही है, 170। ओह सॉरी सॉरी, मैं स्पीड के चक्कर में नीचे देखने लगा, 170 पे गई। रोड सीधा चाहिए एकदम बढ़िया सा। ये क्या हुआ, भाई उछल के अपने आप ही खेत में घुस गई। ये देखो ये रोड जरा थोड़े ऐसे हैं, उछल के अपने आप ही खेत में घुस गई। यार उसको निकाल दूं, ट्रैक्टर को मारूं टक्कर, अबे ये तो फंसी गई, अबे गाड़ी भी फंस गई। अरे भाई गाड़ी फंस जाएगी, कोई फायदा नहीं है। चलो भाई ये हो गया मोड, बहुत हो गया, मस्ती बहुत हो गई, फिर मस्ती ज़्यादा भी अच्छी नहीं होती, मस्ती उतनी अच्छी होती है। लो भाई हमारे पास हो गई हैं 4 गाड़ियाँ यार, वो बुगाटी मेरी, इसको बलिया निकाल के, ये वहाँ खड़ी है। ठीक है, अरे चलो भाई हो गई हमारी 4 गाड़ियाँ, 4 गाड़ियों के मोड देख लो आप। ये साइड से क्यों दिखा रहा है, अच्छा मैं उस गाड़ी में हूँ तो इसलिए ऐसे दिखा रहा है। अगर मैं उतर के इस गाड़ी में बैठ जाऊँगा तो ये ऐसे सेंटर में से दिखाएगा। ओके भाई बढ़िया मोड थे। और हाँ यार ये फंस गया है जो, इसका इसका भी कुछ करना पड़ेगा, ये निकलता नहीं है अभी, ये निकल नहीं ना, बहुत बुरी तरह फंस गया। तो इसको कर दूंगा मैं, पहले मैं इसमें जाऊंगा, फिर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, इसको कर दूंगा रीसेट। ठीक है भाई, इसको भी कर दूंगा रीसेट,
ओके, इसको भी कर दूंगा मैं रीसेट, तो ये हमारे स्टोर में वापस चले गए। ठीक है, इसको बाद में फिर हम ले ले सकते हैं। तो अभी इससे उतर जाता हूँ। तो मुझे एक चीज़ चेक करनी थी, एक मिनट, वीडियो बंद करने से पहले मैं एक देखना चाहता हूँ यार स्टोर पे। अभी तो मुझे कुछ ख़रीदना नहीं है, क्योंकि जो मैंने जो लिया था भाई ये वाला, तो ये ऑटो लोडर तो है। यही था कि दूसरा था? यही था भाई, ऑटो लोडर था। पता नहीं काम क्यों नहीं कर रहा, एक है मेरे पास। चलो चलो भाई, ठीक है, ये था आज का गेम प्ले। बेल बना के भेज दी तीनों पॉइंट पे। तो बेल अंडे मैंने आपको दिखाया यार, वो गड़बड़ थी उसमें, पता नहीं क्या मामला है, वो मैप के अंदर ही गड़बड़ है। तो आप ध्यान से भेजना अंडे, मैं अगली बार उधर भेजना दीवार वाली तरफ। और ये थे भाई चारों मोड, और फोर्ड का ट्रैक्टर का मोड भी मैंने दिखा दिया। रिक्वेस्ट जिस चीज़ की थी भाई मैंने पूरी कर दी, और जो कोई रिक्वेस्ट और होगी तो वो भी कर देंगे जल्दी। हाँ, कनाडा का मैप भाई, इसको अभी बस एक दो दिन खेल के फिर कनाडा का मैप शुरू कर दूंगा। ठीक है, इसमें हमने सब कुछ कर लिया है, सूअर भी पाल लिए, जानवर सारे पाल लिए, मैंने सफाई भी दिखा दी, बेल भी दिखा दी, और कल कॉटन लगा देंगे। फिर कॉटन काटने के बाद एक बार वो बेच के फिर इस मैप को शायद फिनिश कर दूँ मैं। ठीक है, तो कैसा लगा यार आज का गेम प्ले, कमेंट और लाइक करके मुझे ज़रूर बताना। और अगर आप नए आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर आप एक सच्चे सब्सक्राइबर बनना चाहते हो तो भाई सब्सक्राइब तभी करना, वरना मत करना, स्किप कर देना, निकल जाना, वीडियो छोड़ देना, कोई बात नहीं। तो भाई फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि होगा स्नाइपिंग वाला, स्नाइपर एलीट 4। यार बोर नहीं खेली बहुत दिन से, काफ़ी दिन से गेम नहीं खेली, उसके सिर्फ दो मिशन बचे हैं, तो उनको ख़त्म करके वो मैप ख़त्म हो जाएगी, और फिर मर्डर रनर वगैरह और दूसरी गेम खेलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए अपना ख्याल रखें, खाएं पिए स्वस्थ रहें और एकदम मस्त रहें। बाय बाय दोस्तों।